हाय गाइस, इस वीडियो में अपन देखेंगे एवियल ट्री। एवियल ट्री पिछले वीडियो में अपन ने देखा था बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ मिस्टेक्स होती है, उसको इम्प्रूव करने के लिए एवियल ट्री यूज होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के जरिए मैंने बताया था कि मान लो कि एवियल ट्री ये रहा, इसको अपन इंसर्ट करें कुछ, तो इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पहले इसके बारे में समझाऊंगी कि एवियल ट्री को क्यों लाया गया। तो एवियल ट्री जो बाइनरी सर्च ट्री अपन ने पढ़ा था, उसकी एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो डिसएडवांटेज ऑफ एसक्यू बाइनरी सर्च ट्री इज दैट द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सर्च इज ऑर्डर ऑफ एन। मतलब कि एसक्यू बाइनरी सर्च ट्री तो गाइस ये जो दिखाई दे रहा है अपन को, ये एसक्यू बाइनरी सर्च ट्री है। मतलब कि यहाँ पे 10 ऐड हुआ, फिर उसके इंसर्ट हुआ 20, फिर इंसर्ट हुआ 30, फिर 40 और फिर 50। और ये ऐसे क्यों इंसर्ट हुआ है, क्योंकि अपन ने देखा था एक बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशन होती है कि जो रूट के लेफ्ट में है वो रूट से छोटे एलिमेंट्स होंगे और रूट के जो राइट में है वो रूट से बड़े एलिमेंट होंगे। मान लो अगर रूट 10 है और उसके बाद सारी जो डिजिट्स है वो 10 से बड़ी है, ठीक है, तो वो 10 के राइट में ही ऐड होगी। और मान लो अगर 10 ही है और जो 10 के बाद वाली सारी डिजिट्स है वो 10 से छोटी है, तो सारी डिजिट 10 के लेफ्ट में ऐड होगी। तो ऐसे क्या होगा कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ेगी, टाइम कंज्यूमिंग बढ़ेगा और इससे बहुत सारी डिफिकल्टीज आएगी कि हर एक लेवल पे अपन को एक एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है ओनली, जो कि बहुत अजीब सा फॉर्म होगा। ना तो अपन उसको रियूजबिलिटी के लिए यूज कर सकेंगे, ना ही रीडेबिलिटी अच्छी होगी। तो इसको हटाने के लिए अपन ने एवियल ट्री यूज किया है। एवियल ट्री क्या होता है? एवियल ट्री एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री होता है, जो कि अपन को बताता है कि अगर एसक्यू बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशन आती है तो अपन उसको रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन उसमें कर सकते हैं। तो एवियल ट्री देख लेते हैं। पहले एवियल ट्री क्यों देखा अपन ने, पहले क्या पढ़ा कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या थी बाइनरी सर्च ट्री की, कि क्यों एवियल ट्री को लाया गया। अब अपन देखेंगे एवियल ट्री क्या होता है, कैसे काम करता है। तो गाइस देयर इज अ नीड टू मेंटेन द बाइनरी सर्च ट्री टू बी ऑफ बैलेंस हाइट। यहाँ पे क्या होती है कि नीड होती है, मतलब नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि बाइनरी सर्च ट्री को बैलेंस हाइट का होना पड़ता है। देयर इज अ नीड टू मेंटेन द बाइनरी सर्च ट्री टू बी ऑफ बैलेंस हाइट सो दैट इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन फॉर द सर्च ऑप्शन एट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ लॉग इन इन द वर्स्ट केस। मतलब जो वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले आ रही थी सर्चिंग में, वो ऑर्डर ऑफ एन आ रही थी एसक्यू बाइनरी सर्च ट्री कंडीशन में। बट अगर अपन एवियल ट्री के को यूज करते हैं, एवियल ट्री बैलेंस हाइट के लिए यूज होता है, तो उस टाइम पे सर्चिंग की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वर्स्ट केस में, वो आएगी ऑर्डर ऑफ लॉग इन, जो कि ऑर्डर ऑफ एन से काफी कम होती है। मान लो अगर ऑर्डर ऑफ 10 होता है तो ऑर्डर ऑफ 10 उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, जबकि ऑर्डर ऑफ लॉग 10 क्या होगा, 1, ऑर्डर ऑफ 1, तो वो 1 और 10 में काफी डिफरेंस आ जाता है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बैलेंस ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडेलसन वेलस्की एंड लैंडी। जो ये एवियल ट्री है इसको इंट्रोड्यूस किया था एडेलसन वेलस्की एंड लैंडी ने, इसीलिए इसकी शॉर्ट जो नेम है उसके जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसके नाम पे इसको रख दिया गया। एन एम्प्टी बाइनरी ट्री इज एन एवियल ट्री। एम्प्टी बाइनरी ट्री होती है वो एवियल ट्री हो सकता है, क्योंकि एम्प्टी होगा, उसको अपन कुछ भी नाम दे वो चलेगा, चाहे नल ट्री हो, बाइनरी ट्री हो, बाइनरी सर्च ट्री हो, एवियल ट्री हो, उसे अपन कुछ भी बोल सकते हैं। वो एक बाय डिफॉल्ट कंडीशन होती है। अ नॉन एम्प्टी बाइनरी ट्री, अगर एम्प्टी बाइनरी ट्री तो एक एवियल ट्री है, लेकिन अगर एक नॉन एम्प्टी बाइनरी ट्री होता है ना, तो उसकी क्या क्या कंडीशन होती है वो अपन देखेंगे। अ नॉन एम्प्टी बाइनरी ट्री टी इज एन एवियल ट्री, वो एवियल ट्री होगा इफ गिवन टी, इसे अपन टी टू द पावर एल बोले या टी एल बोले, मैं ओनली इसको टी एल बोलूंगी, टी टू द पावर एल नहीं बोलूंगी, इसे मैं टी एल बोल रही हूँ। इफ गिवन टी एल एंड टी आर टू बी द लेफ्ट एंड राइट सबट्री ऑफ टी एंड, इसमें क्या कह रहा है, अगर जो टी एल
टी आर है वो लेफ्ट और राइट सबट्री होनी चाहिए अपनी मेन जो ट्री है उसके, मतलब टी कोई ट्री है उसका लेफ्ट क्या होगा टीएल और उसका राइट क्या होगा टी आर, जो कि नॉर्मल होता है अपन सभी जानते हैं। एंड एच टी एल मतलब जो लेफ्ट की हाइट है और एच टी आर जो राइट की हाइट है, टू बी द हाइट्स ऑफ सबट्री टी एल एंड टी आर, वो हाइट होनी चाहिए टीएल टीएल सबट्री का और टीएल टी आर रेस्पेक्टिवली का, टी आर का टी आर सबट्री का रेस्पेक्टिवली, मतलब टीएल एच टी एल किसकी हाइट होगी टीएल जो ट्री टीएल जो सबट्री बनेगा अपना लेफ्ट साइड में, और एच टी आर साइड एच टी आर हाइट किसकी होगी जो टी आर राइट साइड में अपना सबट्री बनेगा कैपिटल ऑफ टी का। तो गाइस इसको रिपीटेडली देखोगे तो इसको सब समझ में आ जाएगा और इसको कॉन्सेंट्रेट होके इसको इस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना, ये सारा इजीली समझ आ जाएगा। एंड टी एल एंड टी आर आर एवियल ट्रीज, एंड टी एल और टी आर भी खुद एवियल ट्रीज होंगे क्योंकि उनका जो उनकी जो हाइट्स का जो बैलेंस होगा वो लेस देन इक्वल टू वन होगा, या तो वो माइनस वन होना चाहिए या वो जीरो होना चाहिए या वन होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है हाइट्स का। मतलब अगर एच टी एल को और एच टी आर को माइनस करते हैं तो या तो वो लेस देन इक्वल टू वन आना चाहिए या फिर वो वन वन जीरो और माइनस वन ये आना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन होती है एवियल बैलेंस एवियल ट्री की बैलेंस हाइट के लिए, जिसको कि अपन बाइनरी सर्च को एक बैलेंस बाइनरी सर्च को एक बैलेंस प्रोवाइड करा सके हाइट के टर्म्स में। सर्चिंग इन एवियल ट्री, सर्चिंग और इंसर्शन और डिलीशन वो वाला मैंने बोला था गाइस आपको कि बाइनरी सर्च ट्री का जो केस है सर्चिंग इंसर्शन डिलीशन वो मैं नेक्स्ट चैप्टर्स में आगे वाले चैप्टर्स में समझाऊंगी, तो वो सेम जैसे वो होगा वैसे ही एवियल ट्री का सर्चिंग इंसर्शन डिलीशन वैसे ही एवियल ट्री में होगा। तो अब इसमें अपन देखेंगे रोटेशन, रोटेशन क्या होता है टू परफॉर्म द रोट, और रोटेशन अपन यहाँ पे एवियल ट्री में यूज क्यों करेंगे, इसलिए यूज करेंगे रोटेशंस क्योंकि अपन लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं इसमें बैलेंस हाइट। बैलेंस हाइट क्यों, क्योंकि वर्स्ट केस जो बाइनरी सर्च ट्री का वर्स्ट केस जो होता है इसक्यू बाइनरी ट्री होता है, उसमें एक प्रॉब्लम होती है इसक्यू बाइनरी ट्री में कि अगर रूट से सारे ग्रेटर है तो राइट साइड में जाएंगे और उससे बहुत ज्यादा हाइट हो जाएगी जिससे सर्चिंग प्रॉब्लम्स आएगी और बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, और अगर रूट से छोटे हैं तो साइड साइड लेफ्ट में आएंगे तो उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो उसको हटाने के लिए अपन एवियल ट्री को लाया, और एवियल ट्री में क्या क्या चीज़ें होगी उसमें रोटेशंस होंगे तो अपन उसको बैलेंस हाइट प्रोवाइड कर पाएंगे, और बैलेंस हाइट माइनस वन जीरो और वन होनी चाहिए उससे कि अपन की सर्चिंग प्रॉब्लम ऑर्डर ऑफ लॉग इन आ जाएगी वर्स्ट केस में भी। तो सोचो अगर बेस्ट केस होगा तो कितनी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो टू परफॉर्म द रोटेशन इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक नोड ए, परफॉर्म करने के लिए रोटेशंस को ये नेसेसरी होता है आइडेंटिफाई करना एक स्पेसिफिक नोड ए को, एक नोड ए अपन आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब नोड ए कहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे अपने पास एक ट्री है कैपिटल मतलब रूट है, रूट में वैल्यू ए और उसके लेफ्ट में बी है उसके राइट में सी है, तो अपन यहाँ पे स्पेसिफिक आइडेंटिफाई कर लेते हैं रूट नोड को ही और उसको मान लेते हैं ए, उस बैलेंस फैक्टर इज नाइदर जीरो वन और माइनस वन, जिसका बैलेंस फैक्टर जीरो भी ना हो वन भी ना हो माइनस वन भी ना हो। अभी मैंने बोला आपको कि अपन रूट को मान लेते हैं, लेकिन रूट को कब मानेंगे अपन, जबकि नीचे भी उसके और जैसे बी के नीचे और आ जाएंगे तो और बहुत सारे नोड्स ऐड हो जाएंगे, तो रूट का आकर जो बैलेंस फैक्टर हो माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर या टू थ्री फोर ऐसे मतलब जीरो वन और माइनस वन के अलावा कुछ भी और होता है तो अपन उसको एक स्पेसिफिक नोड के लिए एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि अपन कह देंगे कि ये ए टाइप की आइडेंटिटी इसके पास है। विच इज द नियरेस्ट एंचेस्टर टू द इंसर्टेड नोड, जो कि नियरेस्ट एंचेस्टर होगा इंसर्टेड नोड का। गाइस टेंशन मत लो, मैं अभी आपको डायग्राम्स के थ्रू समझाऊंगी। ऑन द पाथ फ्रॉम द इंसर्टेड नोड टू द रूट, ठीक है। अब ये पढ़ लिया, ये मैंने बताया कि ऐसे अपन किसी को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो एक नोड ए टाइप का है और उसे बैलेंस फैक्टर जीरो वन और माइनस वन नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उसे अपन आइडेंटिटी प्रोवाइड करेंगे ए, और वो आइडेंटिटी प्रोवाइड कब करेंगे, जबकि वो जब कोई नोड अपन उसमें इंसर्ट कर रहा है उसका सबसे ज्यादा नियरेस्ट एंचेस्टर हो। तो वो बताती हूँ, मैंने बोला था ना पहले डायग्राम को बाद में समझाऊंगी मैं इसको, तो अभी समझाती हूँ गाइस। ये अपना डायग्राम है, ठीक है। अभी इसके सबके जो बैलेंस फैक्टर है वो वन जीरो माइनस वन ऐसे है, और बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं, हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट,
इक्वल्स टू बैलेंस वेक्टर, तो मतलब सबसे पहले अपन इसकी निकालते हैं इस थ्री की, तो थ्री के लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं है तो इसका जीरो, ठीक है। अब फोर का निकालते हैं, हाइट ऑफ हाइट ऑफ राइट माइनस हाइट ऑफ राइट माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट, ठीक है। हाइट ऑफ राइट माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट इसलिए क्यों रखा, क्योंकि जो राइट में जो होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं और लेफ्ट में जो होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं, इसलिए हाइट ऑफ राइट माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट। तो यहाँ पे जैसे ही, तो जैसे अपन इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, एच टी आर माइनस एच टी एल इक्वल टू बैलेंस फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एच टी आर क्या था, जीरो और माइनस बीच में आएगा, और एच टी एल क्या था, वन। यहाँ पे कैसे पता चल रहा है कि वन जो फोर के लेफ्ट साइड में एक नोड एड है और फोर के राइट साइड में कोई भी नोड एड नहीं है, तो यहाँ पे बैलेंस फैक्टर जीरो माइनस वन होगा। तो जीरो माइनस वन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस वन। तो उसका बैलेंस फैक्टर माइनस वन हो गया, ठीक है। अब अपन टू पे जाते हैं, अब अपन वन पे जाते हैं, तो वन के लेफ्ट और राइट में कोई नहीं है तो इसका बैलेंस फैक्टर जीरो। अब टू पे जाते हैं, तो टू के राइट में है दो, दो नोड आ रहे फोर और थ्री, और लेफ्ट में आ रहे जीरो, तो टू माइनस लेफ्ट में आ रहा है वन, ठीक है। टू माइनस वन कितना होता है, प्लस वन, तो इसका प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन सिक्स पे आते हैं, सिक्स का लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, सिक्स इधर सिक्स के भी लेफ्ट राइट कुछ नहीं है। इधर नाइन पे आते हैं, नाइन का राइट में है तो इसका प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि वन माइनस जीरो तो वन। सेवन पे इधर दो है, इधर है तो प्लस वन, और इस पे आएंगे तो अपन क्या करेंगे, एक दो तीन। अगर जो पूरा नोड होता है ना ऊपर, जो रूट नोड होता है उस पे अपन हाइट्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर अपने पास ऐसे, तो वन टू थ्री ऐसे मान सकते हैं। और अगर मानना, और अगर जो रूट नोड है उसका अगर अपन को बैलेंस फैक्टर निकालना है, तो अपन डायरेक्ट जो ये होते हैं ना इसके जस्ट नियरेस्ट नोड जो होते हैं लेफ्ट और राइट के, उनसे निकाल सकते हैं। जैसे प्लस वन और प्लस वन है दोनों की, तो दोनों माइनस होकर जीरो आ जाएगा इसका, तो इसका बैलेंस फैक्टर जीरो, ठीक है। अब अपन इंसर्ट करेंगे फाइव को, ये फिफ्टीन नहीं है, इसे फाइव इंसर्ट करेंगे अपन यहाँ पे, नहीं अब इंसर्ट करेंगे 15 को, ठीक है। इंसर्ट करेंगे 15 को, तो 15 किधर इंसर्ट होगा, अगर अपन 5 को इंसर्ट करते हैं तो 5 इंसर्ट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, तो अपन 5 को तो इंसर्ट करेंगे नहीं ऑलरेडी। यहाँ पे इंसर्ट करेंगे अपन 15 को, इंसर्ट करते ही देखेंगे कि वो कहाँ इंसर्ट होगा, तो अपन देखेंगे कि वो 15 जो ये 16 है यहाँ पे, ये तो 6 था यहाँ पे, ये 16 था, 1 और 6 जो मेरे को पहले इजीली दिखाई दे रहा था, ये भी 6 दिखाई दे रहा था, सॉरी गाइस फॉर दिस। यहाँ पे अपन 16 है तो 16 के लेफ्ट में, क्योंकि 15 16 से छोटा होता है, ठीक है। लेकिन 15 5 से बड़ा होता है तो इसके राइट में जाएगा, 15 7 से बड़ा होता है तो इसके राइट में जाएगा, 15 9 से बड़ा होता है तो इसके राइट में जाएगा, लेकिन 16 आते इसको देगा कि 16 से तो 15 छोटा होता है तो इसके लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे 1 2, तो 9 की जो 9 का बैलेंस फैक्टर क्या होता है, 2 माइनस जीरो, क्योंकि लेफ्ट में तो कोई है नहीं, दोनों राइट में ही है इसके, तो 2 माइनस जीरो तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को रोटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपन रोटेशन प्रोवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे रोटेशन प्रोवाइड करते हैं, पहले राइट रोटेशन प्रोवाइड करेंगे, जो कि इन्होंने दिखा रखा है यहाँ पे कि कैसे किया, कि 9 को अपन ने क्या मानेंगे, नियरेस्ट एंसेस्टर जो होता है उसको अपन, जैसे अपन ने इंसर्ट किया ये नोड, ये जो नोड इंसर्ट किया था अपन ने 15 इंसर्ट किया ना, ये जो नोड इंसर्ट किया उसके जस्ट नियरेस्ट एंसेस्टर जो है उसको अपन मानेंगे नोड ए से, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो मान लो 16 वाला है ना वो ए है, देन उसको ए की साइड से पकड़ के राइट रोटेट करेंगे, तो एक ही साइड से पकड़ा और राइट रोटेट किया, तो राइट रोटेट करेंगे मतलब अपने हाथ को अगर अपन राइट रोटेट करेंगे ऐसे घुमाएंगे राइट की साइड, तो खुद ही देखेंगे कि क्या होगा, कि ये जो है ना 16 इसके नीचे चला जाएगा। अभी कुछ भी चीज़ अगर आप खुद भी पकड़ो, कुछ भी आपके हाथ में मोबाइल या कुछ, दो डिजिट ले लो अपने रूम में, होती है वैसे भी कि 1 2 3 सारी जो
टेबल है उसके डिजिट्स होती है, तो आप खुद ही भी लेकर 15 16 को देखो, जैसे उनको राइट रोटेट करोगे आप ऐसे एक बेड पे रख दो और देन राइट रोटेट करो, तो वो 15 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट रोटेशन प्रोवाइड किया तो 15 ऊपर आ गया और 16 नीचे आ गया, लेकिन फिर क्या दिखा अपन को कि फिर भी राइट रोटेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बस ये एक सिक्वेंस में स्क्यू बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशन में चला गया कि ये इससे बड़ा है तो इसके नीचे चला गया, स्क्यू बाइनरी सर्च ट्री कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हुई है। लेकिन वो तो एक प्रॉब्लम है जो कि एवियल ट्री को हटानी थी, तो यहाँ पे वापस से वो जो बैलेंस फैक्टर है वो तो उतना का उतना ही है, बैलेंस हाइट जो है उतनी की उतनी है इसकी 9 की 7 की, तो क्या करेंगे अपन देन यहाँ पे लेफ्ट रोटेशन प्रोवाइड करेंगे। लेफ्ट रोटेशन क्यों, अब जैसे इंसर्ट हुआ था मैंने बोला था ना कि जो नोड इंसर्ट हुआ है उसके नियरेस्ट एंसेस्टर को ऐसे आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे अपन ने इंसर्ट 15 हुआ था तो उसका नियरेस्ट एंसेस्टर था 16, तो उसको अपन ने उसको पकड़ के या राइट रोटेट कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे 15 यहाँ पे आ चुका है तो इंसर्ट तो यही चीज हुई थी, अब इसका जो नियरेस्ट एंसेस्टर है अब क्या है 9, तो इसको पकड़ के लेफ्ट रोटेट कर देंगे अपन। क्यों लेफ्ट रोटेट करेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट इसके लेफ्ट में आ रहा है और यहाँ पे क्या था कि ये इसके राइट में आ रहा था, 9 के राइट में आ रहा था, ये जो है खुद राइट में है और यहाँ पे क्या है ये खुद एक लेफ्ट में लेफ्ट रोटेट करेंगे अपन। यहाँ पे लेफ्ट रोटेट करते ही क्या होगा, ये जो 15 जो है ये इसके ऊपर चला जाएगा लेफ्ट रोटेट। अब खुद भी यहाँ पे 3 डिजिट को रख लो पास में गाइस, ये एक प्रैक्टिस मांगती है, ऐसी प्रॉब्लम प्रैक्टिस मांगती है, आप खुद एक सीक्वेंस जमा लेना फिर उसको रोटेट करना लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा ये जो 15 है लेफ्ट रोटेट करेंगे इसको इस वाले को 9 को, तो ऐसे रोटेट करोगे तो ये 15 ऊपर चला जाएगा, 15 ऊपर चला जाएगा, ऐसे ऐसे रोटेट करो मेरे इस कर्सर को देखना, ऐसे रोटेट करोगे तो 15 ऊपर चला जाएगा, तो 15 के 9 लेफ्ट में आ जाएगा, 15 के राइट में 16 आ जाएगा जो कि यहाँ पे आ चुका है, और अब सबके बैलेंस फैक्टर 0 0 0 1 -1 कुछ ऐसे ही है, ठीक है। तो वो तो होना ही चाहिए, वो तो चाहिए ही, क्योंकि बस यही होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ होते हैं बैलेंस फैक्टर तो वो एवियल ट्री नहीं होगा, फिर उसको अपन एवियल ट्री बनाएंगे थ्रू रोटेशंस। तो ये रोटेशंस 4 टाइप्स के होते हैं, एलएल रोटेशंस कहाँ पे, जब नोड लेफ्ट में इंसर्ट हो लेफ्ट सब ट्री के, मतलब कि जैसे यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग में बता देती हूँ, लेफ्ट सब ट्री के लेफ्ट में इंसर्ट हो, मतलब कि जैसे यहाँ पे कोई नोड इंसर्ट होता, तो ये यहाँ पे कोई नोड इंसर्ट होता मतलब कि अभी नोड नहीं है, मान लो ऐसे अज्यूम करो कि यहाँ पे कोई नोड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई नोड इंसर्ट होता तो ये लेफ्ट को सबट्री मानना, सबट्री ये तो लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट सबट्री, तो लेफ्ट सबट्री के लेफ्ट में इंसर्ट हुआ तो वो एलएल रोटेशन, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने कौन सा रोटेशन लिया था, एलआर रोटेशंस, ठीक है। और फिर अगर वैसे ही जैसे राइट में अगर कोई इंसर्ट होता है तो राइट सबट्री के राइट में इंसर्ट होता है तो आरआर रोटेशन, और लेफ्ट सबट्री के राइट में रोटेशन, राइट में एड होता है इंसर्ट होता है तो वो एलआर रोटेशन, और राइट सब ट्री के लेफ्ट में इंसर्ट होता है, राइट सब ट्री के लेफ्ट में इंसर्ट होता है तो आरएल रोटेशंस। तो राइट सब ट्री के लेफ्ट में रोटेशन, राइट सब ट्री के, ये राइट सब ट्री पूरा तो इसको भी राइट सब ट्री मानेंगे अपन, राइट सब ट्री के लेफ्ट में इंसर्ट हुआ है तो आरएल रोटेशंस, राइट सब ट्री के, ये रहा फोर्थ टाइप का, राइट सब ट्री के लेफ्ट में इंसर्ट हुआ है मतलब लेफ्ट सब ट्री बन चुका है तो उसे क्या कहेंगे अपन, आरएल रोटेशन। तो यहाँ पे राइट सब ट्री के लेफ्ट में रोटेशन इंसर्ट हुआ है तो उसे आरएल रोटेशन प्रोवाइड किया यहाँ पे, देन यहाँ पे क्या हो गया है, राइट सब ट्री के राइट में इंसर्ट हुआ है, राइट सब ट्री के राइट में रोटेशन हुआ है तो यहाँ पे अपन इसको क्या कहेंगे, राइट आरआर रोटेशन, यहाँ पे आरआर रोटेशन। तो ऐसे यहाँ पे ऐसे अपन रोटेशंस लगा लगा के इसको बैलेंस फैक्टर प्रोवाइड कर दें जिससे एवियल ट्री एक फुली मॉडिफाइड ट्री बन जाएगा, जिस जो कि बाइनरी सर्च ट्री की इसकी बाइनरी ट्री की बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशंस को प्रॉब्लम्स को रिमूव कर देगा। गाइस नेक्स्ट वाले चैप्टर में अपन देखेंगे कि हीप क्या होता है। अगर आपको इस ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।